नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ दिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में वार्षिक अंबुवाची मेला आज से शुरू हो चुका है। इसका समापन इस महीने की 26 तारीख को होगा। इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। असम सरकार और कामाख्या मंदिर प्रबंधन समिति ने अंबुवाची महोत्सव के लिए सभी प्रबंध किए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुवाहाटी के बाहरी क्षेत्र में पानीखेती पुलिस स्टेशन के पास एक अनजान युवक का शव तालाब में मिला है। स्थानीय लोगों में इस घटना से संदेह हो रहा है। शक है कि युवक को कहीं और मारा गया और फिर तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस जांच में जुटी है। जोरहाट के प्रिंस ऑफ वेल्स इंस्टीट्यूट में शनिवार सुबह 40 वर्षीय कपिल बरुआ का शव तालाब में मिला। बरुआ शुक्रवार से लापता थे। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। स्थानीय लोगों ने शव को तालाब से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कीर्ति वर्धन सिंह भी उपस्थित थे। दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जल संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा स्थानीय नेताओं के साथ हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने जल संकट के बढ़ते हुए हल के लिए सरकार पर निशाना साधा और जल संकट से जुड़े मुद्दों पर अपनी मांग रखी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इसके बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। दिल्ली के जल मंत्री और आप नेता आतिशी ने आज सुबह भोगल स्थित शिव मंदिर में दिल्ली के जल संकट को लेकर अपने अनिश्चितकालीन उपवास के दूसरे दिन पूजा अर्चना की। आतिशी ने शुक्रवार से जल मांग के खिलाफ अनशन का आगाज किया था और आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। उनके अनशन पर डॉक्टर ने हेल्थ चेकअप किया, जिसमें उनके ब्लड प्रेशर, वजन और शुगर लेवल में गिरावट आई है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद विभव को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहकर 121 वैदिक ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाले मुख्य पुजारी काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का सुबह निधन हो गया। ये सूचना मिलने के बाद काशी के लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन में पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की मुख्य भूमिका रही थी। इनके नेतृत्व में सभी पूजन को सम्पन्न कराया गया था। तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। अब कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि किसानों के लिए 2,00,000 रुपए की कर्ज माफी जल्दी ही लागू की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ उन्होंने राजनीति में उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करेंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, हालांकि अब वो कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।